बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ेर अताब हैं, मुसलसल वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर पेशियां भुगत रहे हैं, और दूसरी तरफ दुबई में पाकिस्तान की सियासी बंदर बांट जारी है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की आज तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का क्या एजेंडा था, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और दीगर आम मामलात पर गुफ्तगू की गई है। जहांगीर तरीन का एक आम एलची भी दुबई पहुंच चुका है, आखिर चल क्या रहा है, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा समेत पीपल्स पार्टी के किन लोगों की लॉटरी निकलने जा रही है, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। DGISPR ने आज इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ सवालात उठ गए हैं, इन पर भी हम पहले बात करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सवाल करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। DGISPR ने आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका तासर बड़ा वाजे है कि फौज के अंदर भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन किया गया है। लिहाजा अब जो सिविलियन अफराद 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होंगे, या वो सहूलतकार होंगे या वो किसी साजिश का हिस्सा होंगे, उनके खिलाफ भी सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे आम सवाल भी खड़े हो गए हैं। एक वो सवाल जो वसीम अब्बासी सहाफी ने किया, और उन्होंने पूछा कि जनाब, इस वक्त वो लोग जो PTI को छोड़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल गुनाहों से पाक होते जा रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, वो यानी ना दहशत गर्द रहते हैं, ना वो बागी रहते हैं, ना कोई और मुकदमा रहता है। इस पर जो DGISPR का जवाब है, वो आवाम को मुतमयन नहीं कर सका। इस पर सोशल मीडिया के अंदर बड़ा रद्द अमल आया है, और लगता यह है कि चूंकि एक तासर है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए यह सारा कुछ कर रही है। इससे पहले भी मुस्लिम लीग काफ बनाई गई, और कई मरतबा पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनी, और जमातें भी तोड़ी गई, तो ये उसी का एक तसलसल करार दिया जा रहा है। तो इस बात को अवाम की तरफ से जो है वो पजीराई नहीं मिली, बल्कि मुसलसल इस पर तनकीद हो रही है। और इसकी वजह जो है वो बड़ी सादा है, जो अक्सर मैं आपको बताता होता हूँ कि लोगों को इमरान खान से प्यार है, मोहब्बत है, वो उसको मुहिब वतन समझती है, लेकिन दूसरी तरफ जरदारी और शरीफ माफिया को लोग चोर और डाकू समझते हैं, उनसे नफरत करते हैं। अगर इमरान खान का मुतबादल वो जरदारी और शरीफ माफिया है, तो यही वो वजह है जिसकी वजह से अगर कोई भी होगा तो उसको लोग कबूल नहीं करेंगे। इस तरह का कोई भी जो बात होती है उसको कबूल नहीं किया जाता। फिर जो है वो एक और पोस्ट आजकल बड़ी वायरल हुई है, आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जब साबक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर थे उस वक्त, उन्होंने एक गुफ्तगू की थी मोहसिन दावड़ और अली वजीर मंजूर पश्तीन के हवाले से। अब ये कहा जा रहा है कि आसिफ गफूर साहब के बकौल NDS और रा ने मोहसिन दावड़, अली वजीर, मंजूर पश्तीन को पैसे दिए, हमारे पास सबूत है। ये उनकी स्टेटमेंट है, वीडियो है, उन्हीं शख्सियात के वोट से ये हुकूमत बनी, और इसी हुकूमत ने आसिफ मुनीर को आर्मी चीफ बनाया। अब ये बड़ी आम बात है, और वो कहते हैं कि जब वो एक वक्त के अंदर गद्दार थे, बैरून मुल्क फंडिंग भी थी, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, वो सबूत आज तक आवाम के सामने क्यों नहीं रखे गए। ये दो वो लोग हैं, मोहसिन दावड़ और अली वजीर, जिनके वोटों से ये हुकूमत बनी है, और उसी ने आगे सारे इकदाम किए हैं, तो लिहाजा उनको ये माफी किस तरीके से दी गई, इसका मतलब है कि बातों के अंदर वजन नहीं होता। तीसरी जो बात इस वक्त ज्यादा देर बहस है, उसके अंदर कहा जा रहा है कि कोई एक भी सबूत जो तहरीक इंसाफ के सरबराह की तरफ जाता हो, या कोई प्री प्लैंड ये मामला हो, ये उस तरफ जो है वो कोई सबूत भी वो फराहम नहीं किया गया, कोई शहादतें फराहम नहीं की गई। जो लोग इस बात को माने कि वाकयातन कोई इस तरह का एक बाकायदा प्री प्लैंड एजेंडा था, चूंकि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है, इमरान खान को हटाने से लेकर PDM टोले को मुसल्लत करने तक, ये जो रोल है इस पर तनकीद होती है, और यही वजह है कि ये चीजें इस वक्त ज्यादा जो है वो जेर बहस है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचे हुए, और आपको इल्म है आज आसिफ जरदारी के साथ नवाज शरीफ की एक तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर मुल्की मामला डिस्कस हुए, इसके अंदर निगरान वजीर आजम कौन होगा, ये इस वक्त एजेंडा है। इसके साथ ही जो अगली काबीना होगी वफाकी, वो क्या होगी, इलेक्शन की तारीख कौन सी होगी, नवाज शरीफ अपनी पार्टी के रहनुमाओं से भी बात करेंगे, उनकी वापसी की तारीख क्या होगी, और इसके साथ ही जो है वो नवाज शरीफ का ये कुछ नून लीगियों का कह रहा है कि
कि इलेक्शन थोड़े से डिले कर दिए जाए, लेकिन आसिफ जरदारी इस पर राजी जो है वो नहीं है। अब इस पर कोई इतफाक राय पैदा होता है या ये इतफाक राय पैदा नहीं होता, ऑन चौधरी जहांगीर तरीन का पैगाम लेकर भी पहुंच गए तो मुमकिन तौर पर काफ लीग और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के साथ नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने क्या सीट एडजस्टमेंट करनी है, उनको कैसे एडजस्ट करना है, ये मौजू भी वो अपने अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे, आपस के अंदर भी वो इन मामलात के अंदर गुफ्तगू करेंगे। तो इस वक्त शरीफ और जरदारी दोनों खानदान जिनको पाकिस्तान का माफिया करार दिया जाता है, वो पाकिस्तान की सियासी बंदरबांट के लिए दुबई में बैठे हुए हैं। आप अंदाजा कर लें कि कभी पाकिस्तान के फैसले वाशिंगटन में होते हैं, कभी वो जो है वो अरब ममालक के अंदर होते हैं, और कभी जो है वो लंदन के अंदर बैठकर किए जाते हैं। तो आज जो मुलाकातें हैं, जो जंग न्यूज के मुताबिक, चूंकि इस वक्त जो नून लीगी जराए हैं उनके हवाले से प्रोपेगंडा झूठा करना हो या कोई भी बात बयान करनी हो तो इनके सोर्सेज मजबूत हैं। इस वक्त दुबई के अंदर मैं आपको बताऊं, जहां पे नवाज शरीफ वगैरह मौजूद हैं, किसी भी अपने खास सहाफी के अलावा वहां पर कोई इतला नहीं दी जाती, और वही खबरें जो खास तरीके से फीड की जाती हैं वही पोजीशन है, चूंकि यहां पर उन यूरोपीय ममालक की तरह की सूरत हाल नहीं है कि आप बगैर इजाजत कहीं पर जो है वो खड़े हो जाएं और एहतजाज शुरू कर दें, यही वजह है कि ये चीज जो है वो की गई है। दूसरी तरफ जो अभी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के मबैन एक इजलास हुआ है, और अभी जब मैं आपसे मुखातब हूं तो दूसरा जो राउंड है वो भी शुरू हो चुका है। अब यहां पर बताया गया है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब समेत दीगर सूबों के अंदर सीटें मांग ली हैं। ये गिलानी खानदान, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद समेत कुछ दीगर हलकों में नून लीग उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। ये इस मामले पर भी बात हो रही है, चूंकि इस वक्त जो है वो नदीम अफजल चंद उनका हल्का भेरा और भलवाल वाला हल्का है, जहां पर जो है वो उनके मद्दे मुकाबल जो है वो मौजूद है बड़े मजबूत डॉक्टर उस्मान मुख्तार भरत, वो मजबूत इस वक्त MNA है, और उसको हटाकर यानी टिकट ना दिया जाए, कहीं और एडजस्ट किया जाए तो नदीम अफजल चंद को यहां पर टिकट दिया जाए। कमर जमान कायरा, उन्होंने नून लीग की इस पूरे हुकूमत के अंदर बड़ी नौकरी की है, बड़ी खुशामद की है, लिहाजा वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के चंद जो बड़े चेहरे हैं उनको पंजाब से इलेक्शन जीता जाए, नून लीग सपोर्ट करे, उनके लिए भी माना जा रहा है। लेकिन यहां पर जो चौधरी आबद रजा है वो शायद इनको कबूल ना करें और ये मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए भी, बाकी राजा परवेज अशरफ और गिलानी खानदान उसके लिए शायद ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये बगैर नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा के लिए लॉटरी जो है वो निकलती दिखाई देती है, अगर इसको इंडोर्स कर लिया जाता है, इतफाक राय हो जाता है। इलेक्शन की तारीख भी इस मुलाकात के दरमियान ये फाइनल की जा रही है। असेंबली की मुद्दत पूरी होने से पहले असेंबली तोड़ने के मामले पर भी गौर हो रहा है। असेंबली वक्त से पहले तोड़ने से सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम के लिए वक्त ज्यादा मिलता है, 90 दिन मिल जाएंगे। अगर रूटीन के मुताबिक अगर असेंबली डिजॉल्व होती है 13 सितंबर को तो फिर 2 महीने के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो जहर है, ये अपने पार्टी रहनुमाओं के साथ भी आइंदा 2-3 दिनों के अंदर मुलाकातें करेंगे। हज जो है उसके मनासक कल अदा कर दिए जाएंगे, परसों ईद उल जुहा होगी अरब दुनिया के अंदर और दुनिया के बेशतर ममालक के अंदर, उसके बाद उमरा जो है उमरे के लिए नवाज शरीफ जाएंगे जब सऊदी हुकूमत इजाजत देगी। कुछ आम मुलाकातें उनकी हो रही हैं, तो इस वक्त आप अंदाजा कर लें एस्टैब्लिशमेंट की भी आला शख्सियत उनकी आमद के हवाले से भी नून लीगी जराए कंफर्म कर रहे हैं, आला अस्करी क्यादत वो भी पहुंचेगी। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की एक बंदर बांट है सियासी एतबार से वो इस वक्त कर रही है, तो आप ऐसे समझें कि रोटियों की राखी जैसे वो बोलते हैं, तो ये सूरत हाल है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की। और यही वजह है कि अवाम चूंकि इनसे नफरत करती है, इनको रिजेक्ट कर चुकी है, इमरान खान से मोहब्बत से ज्यादा इनकी जो नफरत है इसको जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं समझेगी तो ये खुद भी मुतनाज़ा होगी, खुद भी उन पर सवालात उठेंगे और वो खुद भी इनके साथ मजीद जो है उनकी क्रेडिबिलिटी लूज होगी। बेशक डंडे के दौर पे गिरफ्तारियां और सारी चीजें कर लें, लेकिन उसका मेरा ख्याल नहीं है कि कोई फायदा होगा। दूसरी तरफ जो इस वक्त पूरी तहरीके इंसाफ को नून लीग यानी 9 मई के वाकयात की आड़ में तबाह किया गया, हर जिले में छापे मारे जा रहे हैं, ये भी आज सवाल किया था DGISPR से एक सहाफी ने, इसका भी उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया।
किसको सेटल किया जा रहा है इसकी आड़ में, क्या किसी को पता नहीं है कि ये पूरे जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस तो चंद 100 लोग थे, लेकिन ये हजारों लोगों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, ये तो तहरीक इंसाफ को खत्म करने की एक बड़ी चीज जो है वो नजर आ रही है। तो इसी तरफ ये मामलात बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही संजीदा दिखाई दे रहे हैं। तो दुबई के अंदर ये जनाब पाकिस्तान के मुकद्दर के फैसले हैं, देखते हैं इसके बावजूद IMF के साथ डील फाइनल होती है या नहीं, अरब ममालक मुआवनत करते हैं या नहीं, ये सारे सवालात जो है वो इस वक्त जेर बहस हैं। पाकिस्तान की अगली सियासत क्या होगी, हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की आई तो नून लीग तावन करेगी नहीं करेगी, नून लीग की आई तो पीपल्स पार्टी क्या इसी तरह एडजस्ट करेगी, और बाकी जो काफ लीग और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टियां हैं वो जिन लोगों ने बनाई हैं उन्होंने जहर है उनको भी एडजस्ट करवाना है, कुछ रहनुमाओं को, एक नई PTI जो है वो वजूद में आएगी ईद के बाद परवेज खटक और कुछ और लोगों की जेर क्यादत, उसका क्या रोल होगा, ये सारी चीजें जो है इस वक्त डिस्कस हो रही है। और आने वाले दिनों के अंदर इन तमाम मामलात के जो असरात हैं वो पाकिस्तान के अंदर ईद के बाद नजर आएंगे, और मुमकिन तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी और न्यायालय की तरफ मामलात को बढ़ाकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी का जो है वो सिग्नल दिया जाएगा। फिलहाल सऊदी अरब से होने के बाद वो लंदन वापस रवाना होंगे, देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।